नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ अजवाइन मटर, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और सर्दियों में चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए ये मैदा, ये मैदा आधा किलो से कम है। एक ले लेती हूँ मैं परात, इसमें डालती हूँ ये मैदा। अब मैं इसमें डाल दूंगी अजवाइन। थोड़ी सी और डाल देती हूँ मैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक, स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कटोरी देसी घी। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं डाल के। मैदा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब हमें इसे गर्म पानी से गूंद लेना है। इसे हमें थोड़ा सा टाइट ही रखना है, जैसे पूड़ी का आटा होता है उस तरीके से। मैदा को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, इसे बिल्कुल पूड़ी के आटे जैसा गूंदा है, टाइट। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे इसके छोटे छोटे। और ऐसे टुकड़े करके इसको वापस से मिक्स करेंगे, उससे ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं। मैदा भी हमारा अच्छे से फूल गया है। इसको ऐसे मल के और इसकी मैं लोइयां बना लेती हूँ। मैं चाकू से काट के इसको बराबर पीसों में काट लेती हूँ। से इस तरीके से करके मैं इसकी लोई बना लेती हूँ। अब बेल लेती हूँ मैं इसको। मुझे इसे बिल्कुल पतला बेलना है। देखिए मैंने इसे कितना पतला बेला है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी मैदा। अब मैं इसको साइडों से कट करके निकाल देती हूँ। और अब इसको पतला पतला कट कर लेते हैं।
मटर शेप में। इस तरीके से, और मैं इसके बस दो ही पीस करूंगी बीच में से। अब निकाल लेती हूँ मैंने एक बर्तन में। हमें इनको साथ ही साथ फ्राई नहीं करना है, 5 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। और इसी तरीके से मैं सारी मठियां बना लूंगी। तो मैंने सारी मठियां बना ली हैं, देखिए इस तरीके से। और 5 मिनट हो गया इनको, 5-10 मिनट रखे रखे। अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल को मैंने एक साथ ज़्यादा गर्म नहीं किया है, और गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मठियां। सभी को मैं इस तरीके से एक साथ डाल दूंगी, फिर ये धीरे धीरे सारी अपने आप बिखर जाएंगी ऑयल में। और देखिए थोड़ी ही देर बाद किस तरीके से खिल गई हैं सारी मठियां। मुझे इसे गोल्डन ब्राउन करना है। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा है। और देखिए मठियां अच्छे से सिक चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ इनको एक बर्तन में, और इसी तरीके से मैं सारी मठियों को सेक लूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, सारी मठियों को सेक लिया है मैंने, और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।